तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक एंड्रॉइड एंड कस्टम यूआई के बारे में। तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है, दोनों में से कौन सा बेहतरीन हो सकता है आपके लिए, आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है, दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले बता दूँ, स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर ही बेसिस करके बनाया जाता है कस्टम यूआई को। कस्टम यूआई को बनाने के लिए उसके ऊपर बहुत तरीके की स्किन्स चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एक अलग टाइप का कस्टम यूआई देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे के कस्टम यूआई मार्केट में मौजूद है। बेसिकली कुछ अगर मैं कहूँ तो ओप्पो का अपना कलर ओएस है, इसके साथ साथ मौजूद है मार्केट में जैसे नोवा की, उसके बाद और भी सैमसंग का अपना लॉन्चर है। तो ऐसे में बहुत से कस्टम यूआई मार्केट में मौजूद है, तो इनमें से बेहतरीन क्या है कोई, वो भी स्टॉक एंड्रॉयड से। तो बात करते हैं 2018 की सितंबर की महीने की, तो इस महीने में जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनमें से कुछ फ़ोनस हैं जिनमें है स्टॉक एंड्रॉयड, कुछ ही फ़ोनस हैं, एकदम लिमिटेड दो या चार ऐसे फ़ोनस होंगे, बाकी सब में देखने के लिए मिलते हैं भर भर की अपनी जो उन लोगों की है वो खुद की वो है, जैसे MI का Mio 9, तो ऐसे वगैरह बहुत से मिल जाते हैं। तो उनकी जो UI होती है वो क्यों बेहतर नहीं होती है? बेहतर नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बिल्कुल ख़राब है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड की और कस्टम UI की। तो कस्टम UI जो होता है वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, जबकि स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है वो दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है उसकी जो बार ओपनिंग या डाउन की जो सिस्टम होता है वो देखने में या फील करने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऊपर से उसकी जब आइकॉन ओपन हो जाता है तो एक गंदा सा वाइट लेयर आ जाता है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। साथ ही साथ अगर बात करते हैं उसकी कैमरे की, तो कुछ फ़ोन में इसका स्टॉक एंड्रॉयड का जो अपना कैमरा होता है उसका जो सिक्वेंस होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसकी वजह से उसकी फ़ोन की जो हार्डवेयर है वो तैयार नहीं होता है, उस वजह से थोड़ा सा घटिया पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फिर कह सकते हैं फ़ोटो में थोड़ा सा सेकीनेस आ जाता है या फिर वाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर बात करते हैं इसी मामले में कोई भी कस्टम UI की, तो कस्टम UI में होता क्या है? कस्टम UI में होता ऐसा है, उनकी जो कैमरा एप्लीकेशन होता है वो कंपनी खुद बनाता है और खुद डालता है, तो ऐसे में आपको देखने के लिए मिलता है जो फ़ोटो, वो फ़ोटो उस कंपनी की जो कैमरा एप्लीकेशन है उसने प्रोसेसिंग की है, ना कि एंड्रॉयड ने खुद जो अपनी कैमरा एप्लीकेशन दी थी उसने। तो ऐसे में फ़र्क दोनों में क्या देखने के लिए मिल जाएगा? शायद आपको ऐसा भी हो सकता है जिस फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड हो उस फ़ोन का कैमरा इस फ़ोन से ज़्यादा बेहतरीन हो, लेकिन प्रोसेसिंग पावर कम है, इसी वजह से उस फ़ोन की जो पिक्चर क्वालिटी हो वो बिगड़ चुकी है। आपको याद होगा जो M1 है Asus का Zenfone M1, उससे खींची गई कोई भी फ़ोटो में येलो टिल्ट या फिर थोड़ा सा देखने के लिए वाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसमें एक फ़िल्टर लगा देने से फ़ोटो कमाल का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी ने जो UI डेवलप किया था वो UI में थोड़ा सा गड़बड़ी था, जिसकी वजह से कैमरा अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा फ़ोटोज़ नहीं ले पाता था। तो ऐसे दिक्कत कभी कभी जो कस्टमाइज UI होता है उसके साथ भी आता है, कभी कभी जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है उसके साथ भी आता है। अब अगर बात कर लें इसकी फिक्सिंग की, तो जिसमें मतलब आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड उसमें इसकी जो फिक्सिंग है ये हो पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड अपना जो अपडेट है वो सीधा गूगल देता है, और गूगल देता है अपनी एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से, ना कि देता है आपकी फ़ोन के हिसाब से। तो ऐसे में जो चीज़ है कस्टम UI में, कस्टम UI को बनाने के लिए उनको स्टॉक एंड्रॉयड के अपडेट को लेना पड़ता है, उसके ऊपर लेयर को चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद अपडेट को आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सी बग्स होती है जो फ़ोन की वजह से या फिर उसके हार्डवेयर की वजह से होता है, वो भी फिक्स हो जाता है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्टॉक एंड्रॉयड अपडेट देता है अपने एंड्रॉयड वर्जन का सिर्फ, जिसमें उसकी एंड्रॉयड वर्जन में जो बग्स है वही फिक्स होगा, ना कि आपकी फ़ोन की कोई पर्सनल इशू फिक्स होगा। तो ऐसे में कस्टम UI जो है वो भी अपने एक तरीके से ठीक है, एक अच्छा चीज़ है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं स्टॉक एंड्रॉयड की, तो पर्सनली मुझे स्टॉक एंड्रॉयड भी पसंद है, वो भी अपने जगह ठीक है। तो बात करते हैं फाइनली अपडेट की, तो अपडेट की अगर बात करूँ मैं, तो आपके पास अगर है एक ऐसा फ़ोन जिसमें आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, तो आपको अपडेट मिलेगा बहुत जल्दी जल्दी,
और आपके पास है अगर कोई ऐसा फ़ोन जिसमें है कलर ओएस यानी कि कस्टम ओएस यानी कि कोई भी एमआई का मियो 9 वगैरह कुछ भी क्यों ना हो, सैमसंग का ही क्यों ना हो, तो फिर आपको अपडेट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ़ोन्स की जिनमें अपडेट की भरमार दे दी जाती है। तो ऐसे में कौन कौन सी फ़ोन्स हैं, अगर आपने सैमसंग का नोट सीरीज़ का कोई भी फ़ोन ख़रीदा हो, नोट 5 ही अगर आपके पास अभी तक है तो आपको दिख जाएगा उसमें अभी भी अपडेट आ रहा है। ऐसा क्यों है, जब कंपनी कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन आपको बेचता है तो उनमें कोई भी क्यों ना UI हो उसको वो चाहता है हमेशा अपडेट करना। ऐसे में कुछ कंपनी है जो 2 साल या 3 साल तक अपडेट देता है, उसके बाद छोड़ देता है। वो समझता है कोई भी इंसान 3 साल के बाद एक फ़ोन को यूज़ नहीं करता, लेकिन ऐसा गलत है। कुछ लोग जो है 5-6 साल तक एक फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में मैं यही समझाना चाहता था कि अगर बेहतर कौन है ये बात आप करेंगे तो दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कोई भी कस्टम UI को, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। एक ऐसा कस्टम को यूज़ करना, एक ऐसा UI को यूज़ करना जिसमें काफ़ी फीचर्स हैं, उनके साथ साथ दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे में अगर देखने की बात की जाए या फिर छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन जो सॉफ्टवेयर वाइज हो सकता है ऐसी बात की जाए तो स्टॉक एंड्रॉयड थोड़ा सा नीचे रहता है, जबकि कस्टम UI थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय।